हेलो वेरी गुड मॉर्निंग साथियों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को यहाँ पे मिलता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क से जुड़ा हुआ जो वैकेंसी कंसेप्ट्स और भी बहुत सारा न्यू अपडेट्स तो आज बिना किसी बात किए हुए हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी वैकेंसी आई है जिसको एम वाले अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं उस एडवर्टाइजमेंट पर उस वेबसाइट पर आई होप आप सभी को मेरा ये चैनल बहुत हेल्प कर रहा होगा और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को इस यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ जानकारी मिलती होगी आई होप सो तो चलिए जानते हैं दोस्तों ये वैकेंसी आई है अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी मुंबई के अंदर जो कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट कंट्रोल होता है तो यहीं पे वैकेंसी आई तो है तो चलिए देखते हैं दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट विच वॉज पब्लिस बाई द अली एवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिब्लिटी मुंबई दिस इंस्टीट्यूट इन्वाइट अप्प्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द सेलेक्शन एंड द रिकूटमेंट ऑफ़ द फॉलोइंग टम्प्रोरी कंसल्टेंट पोजिशन ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस एट द कम्पोजिट रीजनल सेंटर फॉर द स्किल डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन एंड द एम्पावरमेंट ऑफ़ द पर्सन विध डिस्बिलिटी नागपुर यानी कि यह वैकेंसी पूरी तरह से कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है और ये नागपुर के लिए ये वैकेंसी आई है तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है जिसको एम वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी है दे आर आर लॉट्स ऑफ द वैकेंसी विच एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द क्वालिफिकेशन फॉर द डिफरेंट पोजिशन आर डिफरेंट यू कैन गो थ्रू ऑल दिस ऑल दीज पोट पोस्ट एंड यू कैन अप्लाई वट एवर योर पर्सनलिटी एंड योर क्वालिफिकेशन सुट फॉर द पोजिशन नाउ आई विल टॉक अबाउट द master of social work here on sixth number serial number there is a position of rehabilitation officer and social worker this is for social worker the number of position is one and the age limit is 35 and it's contractual basis for the 11 month the time duration may be extended as per the requirement and the salary will be for monthly it could be 45,000 एंड द नाउ आई विल टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन तो गाइस गाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क रिहेबिलिटेशन वर्क और सोशलॉजी साइकोलॉजी और इक्वेलेंट फ्रॉम द रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी प्लस मिनिमम ऑफ फोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड द गाइडेंस एज ए सोशल वर्कर और इन एनी अदर रिलेटेड फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन तो गाइज़ हम लोग जान गए हैं कि यहाँ पे कौन सा पोजीशन है जिसको हम एम एस डब्ल्यू के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो so, पोजीशन का नाम है रिहेबलीटेशन ऑफिसर आर ओ और यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन एक है एज लिमिट थर्टी फाइव है ड्यूरेशन है एलेवन मंथ के लिए है ये बढ़ भी सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या है रिक्वायरमेंट उसके आधार पर सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी फोर्टी फाइव थाउजेंड और क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ जिसकी मैं बात करती हूँ हमेशा मास्टर ऑफ सोशल वर्क की उनके लिए है तो यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करे हुए हैं सोशल वर्क में और साथ ही अदर सब्जेक्ट्स में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन साथ में आपके पास कम से कम चार साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो आपको एम के साथ साथ आपके पास प्लस आपके पास फोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पेज का लिंक दे दूंगी जहां से आप डायरेक्ट इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं खुद से देख सकते हैं अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ ही अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगता है ये चैनल अच्छा लगता है लगता है कि सबको हेल्प कर सकता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं बाकी इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में क्या कुछ है इस वैकेंसी के अंदर तो सेपरेट अप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट द इनवेल कंटेनिंग अप्लीकेशन शुड बी सुपर स्क्राइब्ड अप्लीकेशन फॉर द पोजिशन ऑफ डैश एट द सी नागपुर आपको और जब अप्लीकेशन भेजेंगे तो उसके ऊपर सबसे पहले आप जब हेडिंग देंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक कोड करना है कि अप्लीकेशन फॉर द तो पोजीशन ऑफ डैश एट द सीआरसी जो कि यहाँ दिया है इस तरह से आप ज़रूर याद से लिखना ना भूलें और आपको क्या करना है तो आपको अपना अप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड सपोर्टेड विद द सेल्फ़ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कॉपी ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट एंड एक्सपीरियंस इस सब को आपको इस सब सारे डॉक्यूमेंट को जो आपको भेज देना है डायरेक्टर के एड्रेस पे जिसका फुल एड्रेस होगा डायरेक्टर अली यवरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी केसी मार्ग बांद्रा रिक्लेमेशन बांद्रा मुंबई फोर ज़ीरो जीरो जीरो फाइव ज़ीरो विद इन द फिफ्टीन डेज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ तो आपको इस एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूजपेपर में जिस दिन पब्लिश हुआ है उसके पंद्रह दिन के भीतर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट साथ ही फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको भेज देना है डायरेक्टर के एड्रेस पे तो चलिए देखते हैं आप जानते हैं कि किस डेट पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये छपा है ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो तो दोस्तों ये छपा था तेरह से उन्नीस मार्च दो के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में यहाँ दिया गया है तो आपको पंद्रह दिन के अंदर इसे अप्लाई इसके पंद्रह दिन के अंदर आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे इसी एडवर्टाइजमेंट में फॉर्मेट भी दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का तो आपको आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है इस वैकेंसी के बारे में तो आप बिना देर किए अगर आपके पास एम एस डब्ल्यू और चार साल का एक्सपीरियंस है रिहेबिलिटेशन में या एनी अदर रिलेटेड फील्ड में तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका है एम एस डब्ल्यू फटर्निटी के लिए तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद